हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस. दिस इज रमेश, सीनियर फैकल्टी अभिमन्यु आईएएस, एंड वी आर ग्लैड टू अनाउंस वंस अगेन दैट अभिमन्यु आईएएस हैज कंटिन्यूड इट्स लेगेसी ऑफ प्रोड्यूसिंग द टॉपर्स एंड रिजल्ट्स एवरी ईयर इन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस. वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर देन 2200 सेलेक्शंस सिंस लास्ट 23 ईयर्स, एंड वी हैव इन टू दिस बिजनेस फ्रॉम पास्ट 23 ईयर्स एंड एबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट कंसिस्टेंटली. सो इफ यू वॉन्ट टू join the success league of Abhimanyu IAS, you can start off with your preparation with Abhimanyu IAS with the best basically mentoring abilities and best faculties and best mentors to serve you in your purpose. After that, I would like to discuss about the cutoff which has been given by the commission of 2022 prelims. Here is the list of cutoff. So, the general category cutoff of prelims 2022 is 88.22%. Sorry, 22 marks. Now, what is to learn from these? पिछले कटऑफ से हमें सीखना क्या है? ये 2022 की कटऑफ है. तो 2022 में 88 कटऑफ है. 2021 की कटऑफ क्या थी? वो भी समवेयर अराउंड 92, 94. पिछले साल 88. तो EWS की 82. इस तरह से रेंज चल रहा है. ठीक है. वैसे तो कट ऑफ प्रीलिम्स का भी है, मेंस का भी है, 748 फॉर द जनरल जनरल स्टूडेंट्स एंड फाइनल कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स इज 960. बट हम बात करेंगे मेन कंसर्न अबाउट दिस थिंग, द फर्स्ट स्टेज, द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस. यहाँ से हमने क्या सीखना है, क्योंकि बस वी आर अबाउट टू सेट फॉर द 2023 प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस 28 मई को होनी है, और मैं ये वीडियो आपको आपके लिए 4 दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ठीक है. तो 28 मई को आपने पेपर भेजना है, और तैयारी आपकी चली रही है, आप तैयारी इन सेंस कंप्लीट हो चुकी है. तो फाइनल डेज ऑफ द प्रिपरेशन एक सप्ताह भी नहीं बचा है. बट यहाँ पे आपने क्या सीखना है कि जिस लेवल ऑफ द पेपर, द नेचर ऑफ दिस पेपर, वो वैसा ही रहने वाला है कंसिस्टेंटली. 2020 में जैसा था, 2021 में वैसा था, 2022 में ऐसा है. तो ये रेंज में ही कट ऑफ जाने वाली है. तो आपने ध्यान से ये रखना है, हाउ यू कैन, आपने तैयारी करनी है कि हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन दिस पेपर. कैसे करना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि इसी रेंज के मार्क्स में आप आ जाओ और आपके प्री क्लियर हो जाए. क्योंकि देखिए प्रीलिम्स में मार्क्स कितना लेके आ रहे हो आप, 130, 140 लाने वाले लाते हैं, नो इश्यूज. बट आपने बस क्लियर करना है. ये मार्क्स काउंट भी नहीं, आगे जाके काउंट भी नहीं होते. तो You just need to have calmness, ठीक है. You need to stress simulation करके you just need to prepare your mind कि हाँ भाई इसी रेंज का पेपर आने वाला है, इसी रेंज में पेपर आ रहा है, ठीक है, कट ऑफ इतना ही रहना है. तो हमने उस हिसाब से अकॉर्डिंगली हमारी अटैम्प्ट की ओरिएंटेशन होनी चाहिए. हमने ज़्यादा सुपरफिशियल टारगेट्स भी सेट नहीं करने हैं, और इसके चक्कर में बहुत सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट भी कर दिया, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग चली गई. तो यू नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली, सुपरफिशियल होना नहीं है, ठीक है. तो हम भी एक्सपेक्टेड ये रह सकते हैं कि हाँ भाई 2028 का जो प्रीलिम्स होगा, या 28 मई का जो प्रीलिम्स होने वाला है, उसके भी कट ऑफ समवेयर अराउंड इतने ही एक्सपेक्टेड है, ठीक है. 100 से नीचे और 85 और 100 या 90 और 100 इनके बीच में ही रहेगा. तो यू नीड टू बी, आपकी अटेम्प्ट की ओरिएंटेशन वेरी कॉशियसली यू नीड टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ, ठीक है. तो एंड वन सजेशन फ्रॉम माई साइड टू ऑल दी एस्पायरेंट्स वुड बी अपेयरिंग 28 मई को बैठने वाला है, उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए ये 4 दिन आपके पास जो बचे हैं, 4 दिन 5 दिन है, समवेयर अराउंड 4 डेज, इस 4 दिन में आपने करना क्या है कि यू जस्ट नीड टू हैव द एटलस इन योर हैंड. एटलस को अपने हाथ में रखिए और एटलस को अच्छे तरह से देखिए. ट्राई टू फाइंड आउट द लोकेशंस. इंडिया के पॉलिटिकल से स्टार्ट करिए, पॉलिटिकल, फिजिकल, द सिटीज़ क्लोजर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सिटीज़ कौन से लैटिट्यूड से कितना नज़दीक है, नॉर्थ साउथ जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उसकी क्रोनोलॉजी, ईस्ट टू वेस्ट देखिए, कौन से सिटीज़ कौन से रिवर्स के ऊपर हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं. लास्ट डे में आपने देखना है कि हाँ भाई ये जैसे कि रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, हमें याद रखनी पड़ती हैं. तो इस चीज़ों को अभी देखना है, कौन से माउंटेन पीक्स किसकी लोकेशन कहाँ पे है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, पासेज ऊपर से नॉर्थ से लेकर साउथ तक कौन से हैं.
तो ये लास्ट टाइम में अगर आपने देखना है मैप्स के थ्रू, ठीक है। एंड यूनिट फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट टू देखना है मैप से, फ़ायदा आपको ये होना चाहिए कि आप मैप देख रहे हो, सपोज वर्ल्ड की मैप देख रहे हो, वर्ल्ड की मैप देख रहे हो, साथ में यू एनालाइज द लोकेशन ऑफ दिस, लोकेशन ऑफ द सन, सन की लोकेशन। अब इस चीज़ों से स्टेटमेंट्स बहुत तरह की आते हैं, पेपर में आएंगे जिसके बारे में आपने पढ़ा ना हो, बट स्टेटमेंट्स कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देगी, उसके बेसिस पे आपने उसके एनालिसिस करनी है कि हाँ भाई ये इस तरह की वेजिटेशन बोल रहा है, तो क्या स्टेटमेंट इस तरह की वेजिटेशन इस वाले लैटिट्यूड पे पास पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, कौन सा लोकेशन होता है, क्या यहाँ पे इस तरह का क्लाइमेटिक पैटर्न हो सकता है, अगर इस तरह का क्लाइमेटिक पैटर्न हो तो क्या इस तरह के यहाँ पे क्रॉप्स हो सकते हैं, यहाँ पे इस तरह के मिनरल्स पाए जा सकते हैं, क्या लोकेशन ऐसा है क्या, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप मैप पॉइंटिंग फॉलो कर रहे हो, वर्ल्ड एटलस को फॉलो कर रहे हो, इंडिया के मैप को फॉलो कर रहे हो, यू डेवलप एन एनालिटिकल एबिलिटी वाइल सॉल्विंग दी क्वेश्चंस। जहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जहाँ पे दो स्टेटमेंट्स एलिमिनेट हो जाते हैं, दो नहीं होते हैं, वहाँ पे आपको ये बहुत हेल्प करेगा। एंड ट्रस्ट मी, आप अगर मैप अच्छे से आपकी इमेज बैठी हुई है, लोकेशन मैप की, वर्ल्ड की लोकेशन, सन, उसके सन की लोकेशन, ओशंस की लोकेशन, कौन से ओशंस पे कहाँ पे क्या, ठीक है, अगर आप इमेज बैठी हुई आपके दिमाग में, यू वुड बी एबल टू सॉल्व 8 to 10 क्वेश्चंस, आपकी हेल्प करेगा। वो डायरेक्टली मैप पॉइंटिंग का क्वेश्चन भी होगा 2-4, और बाकी 4-5 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने में, एलिमिनेट करने में आपको हेल्प करेगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, यू विल गेट हेल्प फ्रॉम 8 to 10 क्वेश्चंस टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो लास्ट डेज में व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू हैव एन एटलस, इंडिया के सॉइल्स, वेजिटेशंस कहाँ पे, कौन से लोकेशन पे, ठीक है, वर्ल्ड के कौन से जगह पे कौन सी सॉइल पाई जा सकती है, कौन सा वेजिटेशन पाया जा सकता है, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है क्या इस लैटिट्यूड में, ठीक है, कौन से कितने डिग्री लैटिट्यूड पे क्या है, कितने डिग्री लैटिट्यूड पे कौन से वैसे वर्ल्ड के नेशंस हैं, सिटीज़ हैं, ये आप 4-5 दिन अगर आप देखोगे एटलस को, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु हैज़ बीन, हु विल बी अपियरिंग टू 28 में प्रीलिम्स में, एंड congratulations to all of you who have been selected in the 2022 UPSC civil services examinations from Abhimanyu and its family, and to all these parents who have got selected from the basically the part of the success league of Abhimanyu, jo Abhimanyu ke student selection hui hai, unko bahut bahut badhaiyo Abhimanyu AIS ki taraf se, unki puri family ki taraf se, aur jinke paper nahi hua hai, do not lose hope, there is always always a next time, there is always. तो 28 में को प्रीलिम्स आ रहा है, चेयर अप, डू नॉट फील डीमोटिवेटेड, अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो पेपर आप बैठिए, जस्ट नॉट लेट द बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, सोचना कुछ नहीं है, यू जस्ट नीड टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन, दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू।